ये गैलरीज में जो साहिबान खड़े हैं वो प्लीज़ काइंडली अपनी कुर्सियों पे तशरीफ रखिए। प्लीज़ गैलरीज में ऐसे नारेबाजी नहीं कीजिए प्लीज़। काइंडली ऑर्डर मेंटेन कीजिए प्लीज़, नारेबाजी नहीं। ये गैलरी में जो साहिबान खड़े हैं प्लीज़ नारेबाजी नहीं कीजिए। आपको समझ नहीं आ रही ये गैलरी में रोकें इनको नारेबाजी करने से। ये जो साहब कर रहे हैं इनसे कहें कि ये बाहर जाना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं? प्लीज़ कोई डेकोरम रखें यहाँ का। जी कोई और मेंबर? सब हो गए जी। द वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन हैज कंक्लूडेड। अब सेक्रेटरी साहब लिस्ट मंगवा लीजिए, वोट्स रिकॉर्ड करके काउंट करके दिखाइए। लिस्ट ले आइए। ये हो गया कंप्लीट जी। दो मिनट के लिए घंटियां बजाइए ताकि ऑनरेबल मेंबरान अंदर हाउस में तशरीफ ले आएं।
आने दीजिए मेंबरान को अंदर। मेंबरान तशरीफ अंदर ले आए, दो मिनट की घंटियां बजती हैं, आप तशरीफ ले आइए। यार ये देख, जी मेंबरान तशरीफ ले आइए। ये प्लीज, दिस इज द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ये जो भी सीटी बजा रहा है बहुत बहुत ही गैर महजब सी चीज़ हो रही है, प्लीज अवॉइड कीजिए। अब आप लोग बड़े हो गए,
ये काइंडली तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। साइलेंस प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस। ऑर्डर इन द हाउस। ऑर्डर इन द हाउस। प्लीज तशरीफ रखिए। प्लीज तशरीफ रखें। जी प्लीज तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस। रिजल्ट कंपाइल हो गया। आई नीड टू अनाउंस इफ यू काइंडली टेक योर सीट्स। प्लीज तशरीफ रखें ताकि कार्रवाई शुरू हो सके, आगे चल सके। ये गैलरी में तशरीफ रखें। गैलरी में तशरीफ रखें। गैलरी में तशरीफ रखें। जी प्लीज तशरीफ रखें। प्लीज गैलरी में से, गैलरीज में से प्लीज यार इनको चुप कराइए। प्लीज काइंडली तशरीफ रखें। तशरीफ रखें यार ये। प्लीज तशरीफ रखें। ये कार्रवाई चल नहीं सकेगी अगर आप लोग लॉबीज में से, अगर आप लोग गैलरीज में से आवाज निकालेंगे, शोर करेंगे, कार्रवाई नहीं चल सकेगी। आप चाहते हैं कि आपको बाहर भेज दिया जाए। तशरीफ रखें नहीं तो मजबूर होंगे आपको बाहर भेजने के लिए। प्लीज रिजल्ट कंपाइल हो गया है। आई नीड टू अनाउंस द रिजल्ट। प्लीज तशरीफ रखें। 174 members have recorded their votes.
तशरीफ रखें। 174 मेंबर्स हैव रिकॉर्डेड देयर वोट्स इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन। कॉन्सिक्वेंटली द रेजोल्यूशन फॉर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट मिस्टर इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हैज बीन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली। आज प्लीज तशरीफ रखें, ऑर्डर इन द हाउस। आज पाकिस्तान की ऑपोजिशन के सारे कायदीन यहां बैठे हैं और शिद्दत से मियां नवाज शरीफ साहब की कमी महसूस हो रही है। नाउ I will request the leader of, I cannot say leader of the opposition anymore. So I would request Mr. Shahbaz Sharif sahab to kindly speak on this occasion. Bismillahir Rahmanir Rahim. Janab Chairman. Janab Chairman. Janab Chairman. Order in the house, please. Aaj hum sab तमाम कायदीन, तमाम मेंबरान कौमी असेंबली, मुतहद्दा अपोजिशन के तमाम हमारे साथी बुज़ुर्ग भाई और बहन, हम सब अल्लाह ताला के हजूर सर्वसजूद हैं और उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि आज एक नई सुबह तुलू होने वाली है, एक नया दिन आने वाला है और पाकिस्तान के करोड़ों आवाम की माओं बहनों बेटियों बुजुर्गों नौजवानों की दुआएं काविशें अल्लाह ताला ने कबूल की हैं। ये प्लीज ये हाउस में ऑर्डर रखिए। जी और जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर मुतहद्दा अपोजिशन के अकाबरीन को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इत्तेहाद यकजहती और इंतहाई नज्म ज़ब्त का मुजाहरा किया जिसकी के पाकिस्तान की तारीख में कम मिसाल मिलती है। इस सिलसिले में मैं जनाब साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, जनाब बिलावल भुट्टो साहब, जनाब खालिद सदीकी साहब, जनाब अख्तर जान मैंगल साहब, जनाब नवाबजादा भुक्ती साहब, और जनाब अमीर हैदर होती साहब, और जनाब सरदार खालिद मक्शी साहब, और हमारे साथी बलूचिस्तान से जनाब असलम बोतानी साहब, और सिंध से हमारे साथी अली नवाज शाह साहब, और
दबंग तारिक चीमा साहब। मोहसिन दावट साहब और अली वजीर साहब और इनके साथ जुड़े हुए हजारों लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों के हम सब शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला के फजल व करम से उनकी जद्दोजहद उनकी कुर्बानियां आज रंग लाई हैं और आज दोबारा पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून का पाकिस्तान दोबारा बना चाहता है इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं यहाँ पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन तमाम साथियों ने जेलें काटी हैं। हमारी पहली मर्तबा तारीख में ये शायद पहला मौका है कि हमारी बेटियों ने बहनों ने भी जेलें काटी हैं। मियां नवाज शरीफ जो तीन मर्तबा वज़ीर आज़म रहे उनको किस तरीके से जेलों में भिजवाया गया। जनाब चेयरमैन, हम माजी की तलखियों में नहीं जाना चाहते, उनको भुलाकर आगे जाना चाहते हैं और पाकिस्तान को अजीम बनाना चाहते हैं। मैं इस वक्त ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सब दोस्तों ने मुझे कहा कि आज इंतहाई इख्तसार से बात की जाए। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, मैं ये बात कहना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह जब मौका आएगा तो फिर तफसील से बात करेंगे कि हम इस कौम के दुखों और ज़ख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं। हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती नहीं करेंगे, हम बेजार लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा। उसमें मैं ना बिलावल भुट्टो साहब, ना मौलाना फजल रहमान साहब, ना कोई और कोई उसमें मुदाखलत नहीं करेगा। इंसाफ का बोलबाला होगा, अदलिया का एहतराम हम दिल से सद के दिल से तस्लीम करेंगे और मिलकर मुशावरत से इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे, पाकिस्तान को कायद आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। मैं आखिर में आपका जनाब चेयरमैन शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े एहसन तरीके से आपने आज की इस तारीखी कार्रवाई को आपने चेयर किया और उसको आपने अकम्पलिश किया। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इस शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, आप और मुस्कराएं, इसलिए कि मुस्कराने का दिन है ये आज। जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। मैं सर दिसंबर से मुस्कुरा रहा हूँ, फिर मैं फरवरी में भी मुस्कुराता ही रहा और मैं कहता था कुछ बड़ा होने वाला है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाबी चेयरमैन, मैं पूरे पाकिस्तान को और इस हाउस को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि पाकिस्तान में पहली बार अदम एतमाद कामयाब हुआ है और हमने तारीख रकम किया है। जनाब चेयरमैन, में चंद डेट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 10th अप्रैल 1973 में इस हाउस ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया था। 10th
अप्रैल 1986 शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना जिला वतनी ख़त्म करके ज़ियाउल हक के खिलाफ अपना जिदोजहद के लिए लाहौर तशरीफ ले आई थी। आज 10th अप्रैल 2022 है और जो हमने सिलेक्टेड करार दे दिया था और जो गैर जमहूरी बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था, आज 10th अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। जनाब चेयरमैन, में 3-4 साल अब इस हाउस का मेंबर रहा हूं और जितना मैंने ये पिछले 3-4 साल में सीखा है शायद ज़िंदगी भर नहीं सीखा हूं, और मैं पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक पैगाम भेजना चाहूंगा कि दे शुड नेवर गिव अप ऑन देयर ड्रीम्स, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जुल्म फिर जुल्म है, भरता है फिर मिट जाता है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी असद महमूद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ और कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम सियासी जमहूरी ताकतों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कि जिन्होंने जोहद मुसलसल अज़्म मुसम्मम के साथ आइन की बारादस्ती और हकीकी हुक्मरानी के लिए जदोजहद की, थके नहीं, रुके नहीं और बिल आखिर अपनी मंजिल पर आज पहुंचकर ये पैगाम दे रही है कि हम 2018 में पाकिस्तान पर कायम होने वाली गैर आईनी हुक्मरानी का खात्मा करके एक आईनी हुक्मरानी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और इंशाअल्लाह हमने जो जदोजहद की है उसको रायगा नहीं होने देंगे। मैं इस हवाले से पाकिस्तान के तमाम इदारों का, अदलिया का, मीडिया के हाउसेस का, कि जिन्होंने इस घुटन के दौर में भी आइन और सियासी जमहूरी क़ुव्वतों के लिए आवाज़ उठाई और मज़लूम तबके के लिए उन्होंने एक मुजाहिद का किरदार अदा किया, ख़ुसूसन उन सियासी कारकुनों का कि जिन्होंने 2018 के इंतखाबात को तस्लीम न करते हुए एक आईनी और कानूनी जदोजहद की, कानून को हाथ में नहीं लिया, आईन को नहीं तोड़ा बल्कि एक सियासी जदोजहद करके उन्होंने ये मकसद हासिल किया है। मैं आप तमाम हजरात का
जिन्होंने इस आईन और जमहूरियत के लिए अपनी ज़ात पर भी तनकीद बर्दाश्त की, अपनी पार्टी पर भी तनकीद बर्दाश्त की, इस आज़म के साथ कि हम अपने मद्द मुकाबिल के किसी फरीक को उसकी ज़ात को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे, उसकी पार्टी को ज़ातियात का निशाना नहीं बनाएंगे, बल्कि उनकी तरफ हाथ बढ़ा कर कि आए ये पाकिस्तान हम सब का है, हम सब ने इसके लिए जदोजहद करनी है और हमने हर हवाले से इस मुंतशर कुव्वत को मुत्तहिद करना है और इसको पाकिस्तान की तरक्की, इस्लाम की तरक्की और उम्मत मुस्लिमा की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है। मैं एक बार फिर मियां शाहबाज शरीफ साहब का, बिलावल भुट्टो साहब का, खालिद मकबूल सदीकी साहब का, खालिद मक्सी साहब का, शाहजैन बुकटी साहब का, सरदार अख्तर जान मेंगल साहब का, अमीर हैदर खान होती साहब का, असलम बोतानी साहब का और यहाँ पर मौजूद तमाम पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात जो मेंबरान असम्बली हैं, उनके आज के दिन की कुर्बानी पर भी अल्लाह अगर आपको अजर दे देगा तो आपकी बख्शिश के लिए यही काफ़ी है इंशाल्लाह। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। मैं आज यहाँ पे बैठे हुए सियासी कायदीन, मुंतखब नुमाइंदों और गैलरी में बैठे हुए सियासी कारकुनों को मुबारकबाद देता हूँ और उनके ज़रिए पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ। जनाब चेयरमैन, ये लम्हा सिर्फ सूरत जश्न का नहीं है बल्कि मुकाम शुक्र का है। ये लम्हा इनाम से ज़्यादा इम्तिहान है और दुआ कीजिए आज के इस लम्हे पर कि यहाँ पर आज की ये तब्दीली चेहरों की तब्दीली ना हो, बल्कि आम पाकिस्तानियों के नसीब और मुकद्दर की तब्दीली भी कहलाए। और अदम एतमाद की इस कामयाबी से जो आपको, हमको और जमहूरियत को एतमाद मिला है, ये एतमाद अब इस ऐवान की जिम्मेदारी है कि कौम को लौटाए, कौम को एतमाद दें, कौम को एतबार दें। और वो तकाजे जो हम हर दौर में रखते हैं, हम आपके साथ हैं, आइए एक शराकती, शमूलियती, जेन्युइन जमहूरियत की तरफ बढ़े, एक जागीरदाराना जमहूरियत के बजाय जेन्युइन जमहूरियत की तरफ देखें, एक ऐसे, दोबारा कह रहा हूँ उसी ऐवान में खड़े होकर, एक ऐसे ऐवान का ख्वाब देखें जिसमें किसान की नुमाइंदगी किसान और मजदूर की नुमाइंदगी मजदूर कर रहा हो, एक ऐसा ऐवान देखें जहाँ पर ख़ानदान नहीं बल्कि पाकिस्तान के 98% अवाम के नुमाइंदे, असल नुमाइंदे यहाँ मौजूद हों। आइए एक ऐसे पाकिस्तान की जनप बढ़ें जिसको हमें सिक्योरिटी स्टेट से वेलफेयर स्टेट बनाना हो। और नया और पुराना पाकिस्तान नहीं जनाब चेयरमैन, हमें बेहतर पाकिस्तान चाहिए, एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें आप अपने बच्चों को महफूज समझ सकें और जमहूरियती वो वाहिद रास्ता है जिस पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मैं दुआ करता हूं और दोबारा इस वादा करता हूं, हमने अपना वादा पूरा किया है, आप कौम से अपना वादा पूरा करें। इससे ज़्यादा मैं इस यकीन के साथ यहाँ पे बैठ रहा हूँ कि हमारी आज की यहाँ मौजूदगी पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों तक में बेहतरी लाएगी, एक ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक पहुँचे, इससे ज़्यादा की और कोई और तकाजा नहीं रख सकते। मैं इस जमहूरियत को सलाम करता हूँ जिसको बचाने की हम सब ने मिलकर कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद हुसैन मक्सी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक जमहूरी अमल का हिस्सा बने और
बेहतरीन तरीके से बने। तकरीबन मैं समझता हूँ 12-13 घंटे की जिद्दोजहद, ये भी एक तारीख का हिस्सा बनेगी। और बहुत मुझे खुशी है कि मैं आया तो बड़े अजीब तरीके से था सिलसिले में, मगर हमने अपना बाप होने का हक अदा कर दिया आज। बाप पार्टी ने 170 में हमने 4 मिलाए, आप सबको मुबारक हो जी 4 नंबर की। अब हमें अल्लाह तौफीक दे, एक बहुत बड़ा ज़िम्मा आया है क्योंकि मंजिल आज शुरू हुई है। और शहबाज शरीफ साहब एक मेहनती आदमी थे, उनका तजुर्बा है, अल्लाह उनको तौफीक देगा, उनकी मदद करेगा। और मैं मौलाना साहब को हज़ारों मुबारकें देता हूँ। क्योंकि हर हमेशा दीन को उन्होंने बुलंद रखा, आड़ बने रहे, इनको मुबारक हो बार बार। मैं जरदारी साहब को भी मुबारकें देता हूँ कि उन्होंने जोड़ा, कदम रखा, हम सबको लेकर आए। एंड हैट्स ऑफ टू यू मिस्टर बिलावल, वेल डन यंग मैन, यू विल बी अ ग्रेट मैन फॉर दिस नेशन। सबको मुबारक। और आप इतने खूबसूरत लगते हैं यहाँ पे, मेरा दिल चाहता है कि आप यहीं पे बैठे रहें, मगर पता नहीं क्या। सो मेरी सबको मुबारक, पाकिस्तान की सारी कौम को मुबारक। और जैसे हम सब साथियों ने कहा, हम बदला नहीं लेने आए, हम खिदमत करने आए, और अल्लाह हमें तौफीक ताकत देगा। शुक्रिया जी, मुबारक सब। खालिद साहब, सबको आपका मेरा रिश्ता नहीं पता। खालिद साहब, सबको आपका मेरा रिश्ता नहीं पता, आपका शुक्रिया। मोहसिन, ये जब ये 3 साल के थे तब से मैं इनको जानता हूँ, इनके बड़े भाई से मेरी दोस्ती थी, इनसे भी नादिर साहब भी हैं, आमिर मक्सी भी हैं, ये मेरे छोटे भाइयों की तरह नहीं दो जी। सरदार अख्तर मेंगल साहब, शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। आज की इस कामयाबी का सेहरा मेरे ख़्याल में इस ऐवान में बैठे हुए तमाम अराकीन, तमाम अकाबरीन के साथ साथ, मेरे ख़्याल में आज की इस कामयाबी का सेहरा उन पॉलिटिकल वर्करों के सर जाता है जिन्होंने हमें कामयाब करके यहाँ पर भेजा। वो सियासी वर्कर, मैं असद साहब से बात कर रहा था, मैंने बोला 12 घंटे या तकरीबन सुबह 9 बजे से हम बैठे हैं, वो बड़े बेचैन हैं हम, और उस बेचैनी में कभी हम एक कुर्सी से उठ के दूसरी कुर्सी पर बैठते हैं। लेकिन वो पॉलिटिकल वर्कर जो हमें मुंतखब करके यहाँ तक लाता है, इलेक्शन कैंपेन से लेकर पोलिंग तक और पोलिंग के नतीज लेकर वो हमारे घरों तक आते हैं, मेरे ख्याल में आज की कामयाबी की मुबारकबाद सबसे पहले मैं उनको देना चाहूँगा। जनरल स्पीकर साहब, इस एक महीने से इस्लामाबाद की इस पुरफजा और सब्ज़ार में जो हम लोग कैद थे, वो आपको भी पता है, हम सबको पता है कौन सी वो जद्दोजहद थी, कौन सी वो जंग थी जो हम लड़ रहे थे। मेरे हाथों में 2 किताबें जनरल चेयरमैन साहब, एक को कहते हैं आईने पाकिस्तान और दूसरे को रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस। आईने पाकिस्तान के मातहत ये ऐवान भी है, आईने पाकिस्तान किताबें यहाँ की अदालतें भी हैं, आईने पाकिस्तान किताबें यहाँ की अफवाज भी है, आईने पाकिस्तान किताबें यहाँ की आम आवाम भी है। और सबसे बड़ी बात, जो इकाइयाँ हैं उन सबको जोड़ के रखने वाला ये आईन है। और उस आईन की
जिस अंदाज में और जिस तरीके से जग हसाई की गई है, ये भी तारीख के उन वर्कों में और आकों में सुनहरे अल्फाजों से नहीं बल्कि स्याह तरीन अल्फाजों से लिखी जाएगी। इसकी पासदारी की जिम्मेदारी क्या सिर्फ यहां के आम लोगों पर है? यहां पर बैठे हुए जिस चेयर पर आज आप बैठे हुए जनाब स्पीकर चेयरमैन साहब, कस्टोडियन द हाउस, उसकी जिम्मेदारी बनती है। हम यहां पर जो बैठे हुए हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जब हम खुद इस आईन को एक कागज का टुकड़ा समझते हुए इसको रद्दी की टोकरी की नजर करेंगे तो फिर कौन इस आईन को मानेगा, कौन इस आईन को फॉलो करेगा? जनाब चेयरमैन साहब, ये जो डिले हो रहा था, मुझे तो लग रहा था कि हम पीआई की फ्लाइट के इंतजार में, कब आ रही है और कब अनाउंस हो रहा है। दुनिया में कभी कोई ट्रेन लेट हो जाती है तो उसका वजीर मुस्तफा हो जाता है, ट्रेन के हादसात में वजरा इस्तीफा देते हैं, यहां पे आईन टूटता है किसी को कान तक में खुजली तक नहीं होती। इस मुल्क को तोड़ा जाता है, टूटता नहीं, तोड़ा जाता है, अपने हाथों से तोड़ा जाता है, लेकिन उस पर भी जश्न मनाए जाते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, आज इस कामयाबी को देखकर मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी मुझे एक और बात पर हुई है। सितंबर 2018 में जब हम मुंतखब होके आए, मैं हकीकतन आपको बताता हूं, मैं बड़ा अनकंफर्टेबल अपने आप को फील कर रहा था कि इतने मोहब्बे वतन, इतने पेट्रोइट, इतने पाकिस्तान के जो हैं हिमायती, और हम जो है बाप दादाओं से जो गद्दार कहलाते थे, इस तरह लग रहा था मुझे कि फर्स्ट ईयर में कोई स्टूडेंट जाता है और उसको जो बुली करने आते हैं, मैं ये समझता था कोई ना कोई मुझ पर गद्दारी का या इल्ज़ाम या कोई फतवा लगा देगा। लेकिन आज माशाल्लाह चश्मे बद्दूर, ऐवान की अक्सरियत जो है हम जैसे गद्दारों की तरह हो गई है। अब पता नहीं आप लोगों को मुबारक दूं या अफसोस करूं, बट मैं ये कहूंगा वेलकम टू माय क्लब। वो कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और इतना बड़ा कारवां बन गया। जनाब स्पीकर चेयरमैन साहब, गुज़िश्ता की जो हुकूमत है, मैं और तो नहीं कहूँगा, खुदावंद ताला भी चंद चीज़ों से जो उसने मना किया हुआ है, एक नशा, एक तकब्बुर, एक गुरूर, एक दौलत का नशा, चाहे गुरूर का नशा हो वो भी किसी नशे से कम नहीं, चाहे दौलत का नशा हो वो भी किसी नशे से कम नहीं, चाहे इक्तदार का नशा हो वो भी किसी नशे से कम नहीं। आज जो हुकूमत आज ख़त्म हुई है, इसके और गुनाह अपनी जगह पर, लेकिन सबसे बड़ा उसका तकब्बुर और उसका घमंड और उसका गुरूर जो है उसको ले डूबा है। मजीद दिन होंगे फिर हमें बोलने का इंशाल्लाह आप भी मौका देंगे और अपनी दर्द भरी दास्तानें फिर भी आपको सुनाएंगे। आज इस खुशी के मौके पर आपके जो इस खुशी में मैं कोई खलल नहीं डालूंगा। बड़ी नवाज़ आपकी। मोहसिन दावर साहब,
बहुत शुक्रिया आप जनाब चेयरमैन। मैं सबसे पहले तो मुत्तहिदा अपोजिशन का, सारे कायदीन का और जितने भी हमारे मेंबरान यहाँ पर इस हाउस में मौजूद हैं उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज के दिन हमने उस हाइब्रिड रिजीम से छुटकारा हासिल किया है जिस हाइब्रिड रिजीम को 2018 में कौम पर मुसरत किया गया था। और जनाब स्पीकर, मैं जनाब चेयरमैन मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब से ये प्रोसेस चला है और हमारी अपोजिशन मुत्तहिदा अपोजिशन की मीटिंग्स होती रहती हैं, हर एक टॉक में, हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये बात ज़रूर रिकॉर्ड पर लाता हूँ कि ये मरहला पहले भी मुझे कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नज़र नहीं आ रहा था लेकिन इसके बाद जो आने वाला मरहला है वो बहुत ही कठिन है क्योंकि हमारी आवाम की उम्मीदें हैं, उनके तवक्कुआत हैं और मेरे ख़्याल में ये जो सियासी क़यादत यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम मेंगल साहब और जितने भी मेरे ख़्याल में जो जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप है इस मुल्क की, वो इस वक्त इस अपोजिशन में इकट्ठी है और अगर मुस्तकबिल में वो भी जो उम्मीदें हैं, जो तवक्कुआत हैं हमारी आवाम की हमसे, उसको पूरा करने में नाकाम हो गई तो मेरे ख़्याल में उस मायूसी का और उस नाउमीदी का फिर कोई इलाज नहीं होगा। मैं ये भी कहता चलूं कि वो तमाम सियासी कुव्वतें जो किसी न किसी भी शक्ल में बैसाखियों के इंतज़ार में और बैसाखियों के मदद से यहाँ पर आने की कोशिश करती हैं, उनका यही हाल होता है जो आज उनका हुआ। मेरे ख़्याल में आज उन सब गैर जमहूरी सोच रखने वाले लोगों के लिए यह आज का दिन निशान इबरत है। ये पिछले 3.5-4 साल जिस तरीके से गुजरे, मीडिया के लिए यह दौर बदतरीन था। हमारे भाई हमारे बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरीके से इसको हरास किया गया, इंसानी हकूक के हवाले से भी ये एक बदतरीन दौर था, पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए भी ये एक स्याह तरीन दौर था, जिस तरीके से बगावत के मुकदमात धड़ाधड़ सियासी वर्कर्स पर बनाए गए और जिस तरीके से मेरे ख्याल में आदि की अपोजिशन तो यहां पर इस वक्त भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में होगी, जिस तरीके से इन्फोर्स्ड अपीयरेंसेस में इजाफा हुआ और जिस तरीके से पश्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक तलबा को उठाया गया और लोगों को गायब किया गया, ये तमाम ऐसे मसाइल हैं जिनके हल के लिए आवाम हमसे उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए हैं। और मैं एक और चीज़ का भी यहाँ पर इशारा करूँगा कि चेयरमैन साहब, सबसे ज़्यादा जो इशू हमें फेस करना होगा और वो दहशतगर्दी का है और जिस तरीके से, जिस स्पीड से, जिस और यहाँ पर मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, 3.5-4 साल किसी ने कान नहीं धरा, जिस स्पीड से दहशतगर्दी फैल रही है और आए दिन टारगेट किलिंग्स के वाकयात हो रहे हैं, उसके रोकथाम के लिए भी वाजह पॉलिसी मुरतब करनी होगी और उसमें वाजह पॉलिसी ये होगी कि हमारी हुकूमत, हमारी रियासत किसी भी किस्म की मिलिटेंट्स के लिए ज़ीरो टॉलरेंस होगी। और जो तंजीमें दहशतगर्दी में मुलविस हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, फिर कभी इंशाल्लाह अगर मौका मिला इस पर तफसीली फिर बहस होगी, लेकिन ये इस माहौल में एक मैं अदलिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जहाँ पर एक ऐसा माहौल बन रहा था कि आए दिन दिन ब दिन जिस तरफ हम जा रहे थे, हमारी आवाम में नाउमीदी इस निज़ाम के हवाले से पैदा हो रही थी, लेकिन जो जिस तरीके से पार्लियामेंट पर यलगार किया गया लेकिन फिर उसके बाद अदलिया ने फिर अपना किरदार अदा किया तो इस निज़ाम पर लोगों में एक दफ़ा फिर एक उम्मीद पैदा हुई। मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं पुराने पाकिस्तान में अपने तमाम साथियों को खुशामदीद कहना चाहता हूं और साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि मेरी उम्मीद है कि पुराने पाकिस्तान में अली वजीर साहब को कैद नहीं किया जाएगा और हनीफ पश्तीन साहब को भी कैद नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। जी, अली मोहम्मद खान साहब, वन ऑफ द मोस्ट लाइक मेंबर्स ऑन बोथ साइड्स। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. आज 10 अप्रैल है, बड़ा अहम दिन पाकिस्तान की तारीख का, लेकिन आज से मैं बहुत साल पहले आपको ले जाना चाहता हूँ पीछे, 16 अप्रैल 1938 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिना, जिनकी तस्वीर के साए में हम सब बैठे हैं, उनने फरमाया था, कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे, कोई मफहूम इस तरह का है कि अ मुसलमान अ मुस्लिम इज नॉट बॉर्न टू गिव अप. If he is forced to be enslaved, he'll become Babur. He'll emerge as Sultan Tipu. He'll happily embrace martyrdom, but he'll not accept slavery. और मुझे इस बात पे फख्र है, खुशी है कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूं, जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की. यहां आज आपके चेहरों पे खुशी है, अल्लाह आपको खुश रखे. आज मैंने जिस तरह पहले दिन अपनी ड्यूटी संभाली तो इमरान खान के एक सिपाही की तरह, और रियासत पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के एक खादिम के तौर पे आज पार्लियामानी उमूर की मेरी ड्यूटी तमाम हुई. आज का दिन जहां बहुत से चेहरों को खुशी देते हुए जा रहा है, वहां बहुत से सवाल भी छोड़े जा रहा है. मैंने आज ऐवान में मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब को भी देखा, बहिसत पार्लियामानी उमूर के वजीर को मैं उनको वेलकम करता हूं, लेकिन एक सवाल तारीख उनके लिए भी छोड़े जा रही है कि जिस शख्स जिस मर्द होर जिस मर्द बहरान को मेरे मोहतरम मौलाना साहब यहूदी और अमरीकी एजेंट कहते थे, ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमरीका ने ईडी और चोटी की जोर लगा दी. मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्मतों का पाला, मैं तलू हो रहा हूं तू गरूब होने वाला. आरजी नाकामी शिकस्त का मुतबादल नहीं. हम सब मुसलमान हैं और हमारी तारीख भरी पड़ी है. मैं किसी की तरफ कोई तशबीह नहीं देना चाहता क्योंकि हमने यहां मेरा ये 9वां साल है इस पार्लियामान में, लेकिन याद रखिए मेरी बात, मैदान करबला में आरजी शिकस्त जरूर हुई थी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, लेकिन दुनिया उनको याद रखती है. प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज प्लीज नो क्रॉस टॉक. हम सब ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलना है बात करने का, प्लीज. और आप बर्दाश्त कीजिए, मैं आपके नारे आपकी हुटिंग आपकी खुशियां बर्दाश्त की है मैंने, और हम सब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैरोकार हैं. और ये मैसेज हर उस शख्स के लिए जो आजादी का पैरोकार है, जो गुलामी के खिलाफ है. आपके दिल में तमन्ना थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत खत्म हो. इंशाल्लाह इस कुर्सी पे मेरा लीडर एक बार फिर आएगा, इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा, अवाम की ताकत से आएगा, दो तिहाई से आएगा. बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, बर्दाश्त करें. हर इमरान खान साहब का गुनाह क्या है? इमरान खान साहब का गुनाह यह है, मेरे छोटे भाई हैं लेकिन लीडर हैं, मैं एहतराम से नाम लूंगा, बिलावल साहब बैठे हैं. बिलावल साहब, इमरान खान साहब का गुनाह यह है कि जब आपके नाना ने आज से सालों पहले इसी इस्लामाबाद में मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया तो उन्होंने एक बार इकट्ठा किया और मेरे लीडर इमरान खान साहब ने 2 महीने में 2 बार इकट्ठा किया अल्लाह ताला के करम से. इसी OIC की कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने, मैं वहां से देख रहा था, आप हंसते जाए, आपके हंसने से मेरे हौसले कम नहीं होंगे. मेरे पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं, मेरे लीडर के पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं, और हम दुश्मन नहीं हैं, हमने मिलकर पाकिस्तान को बनाना है, लेकिन आपके तरीकेकार से हमें इत्तेफाक नहीं. वहां पे इमरान खान साहब ने खड़े होके जब उन सुन रहे थे, उन्होंने यहां स्पीच करते हुए फरमाया, वक्त साबित करेगा कि कौन असली शेर है. आपके अल्फाज आपको मुबारक हो, वकूल उल्ना से हुसना, मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई. इमरान खान साहब ने कहा
कि हम मुस्लिम ब्लॉक बनाएंगे। इमरान खान साहब ने मुस्लिम ब्लॉक की बात की, ये उनका गुनाह है। इमरान खान साहब ने आजाद खारजा पॉलिसी की बात की, ये उनका गुनाह है। मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि रूस सिर्फ बहाना है जनाब चेयरमैन साहब मोहतरम अयाज सादिक साहब, कि रूस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। इमरान खान का गुनाह ये है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होते हुए खत्म नबूवत की बात की, इस्लामिक उम्मा की बात की, मदीना की रियासत की बात की। इमरान खान का गुनाह यह है कि उसने साम्राज्य के सामने खड़े होकर यह बात की कि एब्सोल्युटली नॉट। बसत एहतराम, बसत एहतराम परवेज अशरफ साहब भी तशरीफ फरमा है और मेरे ख्याल में गैलरीज में साबिक वज़ीर आज़म मोहतरम गिलानी साहब भी तशरीफ फरमा है। मेरे अपोजिशन लीडर वहां पे रहे, आपके साथ सेनेट में मैंने बड़ा काम किया, लेकिन जनाब चेयरमैन साहब एक वो भी वक्त था दुनिया ने देखा कि यहां पे अमेरिकन बूट्स आए, एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, और एक ये भी वक्त है कि वो वहां मंसूबे बनाते रहे कि अगर इमरान खान की हुकूमत ना गिरी तो पाकिस्तान थिंग्स विल गेट टफ फॉर पाकिस्तान, और ये भी कहते हैं कि हां अगर इमरान खान की हुकूमत गिर गई और अदम एतमाद जो आपने अभी कामयाब की है कामयाब हो गई तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। मेरे चेयरमैन साहब अल्लाह के ननानवे नामों के नीचे बैठ के हम माह रमजान में अल्लाह से माफी के खासगार हैं, अमरीका से माफी के खासगार नहीं, लेकिन फिर भी आप जीते हैं आज, हम ग्रेस से बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ये मेरी बात याद रखिएगा, ये मेरी बात याद रखिएगा जनाब चेयरमैन साहब, चलते हैं दबे पांव के कुछ जाग न जाए, चलते हैं दबे पांव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। दोबारा सुनाऊं, चलते हैं दबे पांव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हकबात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। जनाब चेयरमैन साहब मुझे इस बात पे फख्र है, मुझे इस बात पे फख्र है कि मेरा लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं, आखिरी गेंद तक खड़ा रहा। और इमरान खान का आप क्या मुकाबला करोगे, आपके बीच में से तो आखिर में जनाब चेयरमैन साहब, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, जनाब चेयरमैन साहब मेरी दुआ है मेरा मुल्क मेरा पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे, मेरी दुआ है कि मुल्क को पाकिस्तान को मजबूत करते रहे, लेकिन इंशाल्लाह मेरा अल्लाह कहता है वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, और कह दीजिए मेरे हबीब कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। जल्द इमरान खान साहब इंशाल्लाह आवाम की ताकत से एक बार फिर इसी कुर्सी पे विराजमान होगा, दो तिहाई अक्सरियत से होगा, और इंशाल्लाह इमरान खान को पाकिस्तान तरीक इंसाफ को और मेरे करोड़ों पाकिस्तान तरीक इंसाफ के वर्कर्स और वोटर्स और सपोर्टर्स को आज की ये डिफेंस, आज का ये खड़ा होना और आपका आज की रेजिस्टेंस मुबारक हो। आज भी पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो साम्राज्य के सामने खड़े हैं, जो अमरीका के सामने खड़े हैं, जो यहूद और हनूस के सामने खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। अमीर हैदर होती साहब, चेयरमैन साहब जी, चेयरमैन साहब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक सेकंड होती साहब जी बात कीजिए प्लीज। चेयरमैन साहब आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं बात करूं, लेकिन शायद सबसे बेहतरीन टाइमिंग आपने मेरे लिए रखी थी क्योंकि इससे पहले यहाँ पर जो मीठी मीठी बातें की गई और इससे पहले मुझसे पहले जितना सच बोला गया और सच के सिवा और कुछ नहीं बोला गया और सिर्फ सच बोला गया, तो अब मैं भी मुश्किल में हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। चेयरमैन साहब सबसे पहले तो मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा यहाँ पर बैठे तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को,
तमाम ऑनरेबल मेंबर्स को, इसलिए कि जब से अदम एतमाद की तहरीक आई है, जब से अदम एतमाद की तहरीक आई थी, उस तरफ से सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि उस तरफ से जमहूरियत को और जमहूरी निज़ाम को नाकाम साबित करने की कोशिश की गई। और आज मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा अपने तमाम कलीग्स को कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाया, बल्कि उन्होंने आज जमहूरियत को भी बचाया और उन्होंने आज जमहूरी निज़ाम को मजीद मजबूत भी बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और चेयरमैन साहब, आज हमने बड़े ही एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स हमने आज सुने, अमेरिका की ऐसी की तैसी, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका को नहीं मानते। काश काश जब ये ट्रंप के बगल में बैठे थे तब भी इनका यही जज्बा होता। अमेरिका मुर्दाबाद, काश जब ये जो बाइडेन के फोन का इंतजार कर रहे थे उस वक्त भी इनका यही जज्बा होता। अमेरिका मुर्दाबाद, काश काश जब ये आईएमएफ की नाजायज शराइत को मान रहे होते और अपनी कौम पर महंगाई मुसल्लत कर रहे होते तब भी उनको ये ख्याल आता। स्पीकर साहब, अमेरिका ने बड़ी गहरी साजिश की है, वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार को, वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार को अमेरिकन साजिश थी चेयरमैन साहब, उससे इस्तीफा लिया गया। चेयरमैन साहब, अमेरिकन साजिश थी 180 पीटीआई के अपने मेंबर्स के होते हुए उनमें कोई काबिल बंदा नजर नहीं आया, अमरीकी साजिश थी, चौधरी परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दिया। चेयरमैन साहब, अमरीकी साजिश थी, अमरीकी साजिश थी, इसलिए वहां पर एक खातून अमरीका की साजिश में आकर वहां पर पैसे लेकर कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स और डीआईजी की ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर रही थी। ये स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब, ये अमेरिकी साजिश है और बड़ी खतरनाक साजिश है। मैं ये सब कुछ नहीं कहना चाहता था क्योंकि आज हमने बहुत कुछ सुना और आज हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अगर इनके रवैये नहीं बदलेंगे तो फिर जाहिर ही बात है कि हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। मैं हैविंग सेड दिस, मैं फिर भी ये कहूंगा कि वहां बैठकर 3.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया, इन्होंने सिर्फ ऑपोजिशन से लड़ाई की, इन्होंने सिर्फ ऑपोजिशन से मुकाबला किया, इन्होंने सिर्फ ऑपोजिशन को दबाया, लेकिन मैं अपनी लीडर ऑफ द हाउस से यह गुजारिश करूंगा, इंशाल्लाह जो 2 दिन बाद उस कुर्सी पर बैठेंगे, इंशाल्लाह उस कुर्सी पर मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमने ऑपोजिशन से नहीं लड़ना, हमारा मुकाबला इनसे नहीं है, हमारा मुकाबला उस बर्बादी से है जो ये छोड़ के जा रहे हैं। हमारा मुकाबला उस बेरोजगारी से है जो ये छोड़ के जा रहे हैं, हमारा मुकाबला उस महंगाई से है जो ये छोड़ के जा रहे हैं। हमने इनसे मुकाबला नहीं करना, हमने उस बेरोजगारी से, उस महंगाई से मुकाबला करना है। हम
हम जिनको आप गद्दार कहते हैं, आप मुहिब वतन है, आपने जो खिदमत की पाकिस्तान की वो तो हमने देख ली, अब आप हमें गद्दार कहते हैं, अब ये बकौल आपके जो गद्दार है, अब ये मिलकर इंशाल्लाह पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे चलाएंगे। नवाबजादा शाहज़ैन बुख्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमहूरियत की जीत के मौके पे मैं बिलखसूस नून लीग के सरबरा शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज शरीफ, तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, आसफा भुट्टो साहिबा और पूरी पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो चेयर कर रहे हैं खालिद मक्सी साहब और उनके तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरह मौलाना फजलुर्रहमान ने जितनी जद्दोजहद की उनके हम बार बार शुक्रगुजार हैं और उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सरदार अख्तर मेंगल साहब और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी पूरी का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ होती साहब उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और मोहसिन दावर साहब, अली वज़ीर साहब और असेंबली में बैठे हुए तमाम अराकीन, गैलरी में बैठे हुए MPS, सूबाई वज़ीर, सबका वज़ीर आज़म और मीडिया के तमाम दोस्तों का। जैसे कि आप जानते हैं PTI हुकूमत ने पाकिस्तान में आइन को तोड़ा और हम शुक्रिया अदा करते हैं आला अदलिया का जिसने आइन को बहाल किया। और जनाब PTI हुकूमत को तकलीफ़ हुई क्योंकि इन्होंने देखा इदारे न्यूट्रल थे, अदालत ने आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया, PTI का साथ नहीं दिया। इस वजह से PTI ने आज आखिरी दम तक कोशिश की कि हम इस अमल से बचें, मगर मजबूरन इन्होंने जब देखा कि तौहीन अदालत हम पे लगेगी, स्पीकर साहब ने इस्तीफ़ा दिया और चेयरमैन साहब आपको ये ज़िम्मेदारी दी कि आप वोट करवाइए, इस जमहूरी अमल को ना रोकिए, अगर वो इसे रोकते तो शायद वो डिसक्वालीफाई हो जाते। तो मैं एक बार पूरे मुल्क का शुक्रिया अदा करता हूँ, 22 करोड़ आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक PTI हुकूमत ये समझती थी कि रियासत मदीना की बात करके ये शायद लोगों को ये बताएंगे कि ये बहुत बड़ी चीज़ कर सकेंगे, तो जनाब आज इस हाउस के तवसल से मैं ये इनसे पूछना चाहूँगा कि आपने इस अपनी बनाई हुई रियासत मदीना में लोगों के मुंह से रोटी का निवाला छीना। आपने वादा किया था कि हम पाकिस्तान के बैकवर्ड एरियाज़ को तरजीह देंगे, उन्हें डेवलप करेंगे, चाहे वो जनूबी पंजाब हो, बेशतर बलूचिस्तान के इलाके हों, सिंध में उमरकोट हो, फाटा का इलाका हो, पूरे पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन्स हों, IDPs की रेस्टोरेशन हो। आप ऐसी चीज़ बता दें जिस पे पाकिस्तानी कौम आप पे फ़ख्र करे, आपकी लीडरशिप पे फ़ख्र करे। जहाँ तक आप ये कहते हैं ये अपोजिशन पूरी गद्दार है, तो आप मुझे बताइए इमरान खान और उनकी टीम के पास ये सर्टिफिकेट कब आया कि आप किसी को गद्दार बनाएं? आप अपनी पूरी सियासी तारीख बताइए इस मुल्क को, कौम को, कि आपकी लीडरशिप ने क्या कुर्बानियां दी हैं। हमने जानों के नजराने दिए हैं, जेल काटे हैं, हमारी औरतें भी शहीद हुई हैं, क्या आप बताइए आप में से किसने शहादत दी है? भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के लिए अपनी जान दी, नवाज शरीफ साहब ने जेलें काटी, आज भी मुल्क से बाहर हैं, आप बताइए इमरान खान ने कितना अरसा एग्जाइल में काटा? देखिए आप वो तनकीद कीजिए जिस पे पाकिस्तानी कौम आपका साथ दे। आपने एक खाली कागज़ लहराया, कहा जी अमेरिका हमारे पीछे है, आज फिर आप एक कोई कागज़ लहरा रहे हैं। काश आपका अमल पाकिस्तानी कौम को आपके साथ खड़ा रखता। आप तो धमकी दे रहे थे हम 1 लाख आदमी लाएंगे, 10 लाख लाएंगे, इस तरह तो हम भी फिर करोड़ आदमी ला सकते हैं।
तो बराए करम हमारी दरख्वास्त होगी आप पार्लियामान को चलने दीजिए। अगर आपको लगे कि आज की अपोजिशन कल की हुकूमत कुछ ना कर सके आप तनकीद कीजिए, आपका पूरा हक है। और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा आप बेहतरी देखेंगे। इमरान खान जैसा वादा नहीं करते ना नया पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ने नया पाकिस्तान का ख्वाब छोड़ दिया और पुराने पाकिस्तान में जाने को तरजीह दिया है। और मैं आप तमाम को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। नुमान साहब तशरीफ रवि, अभी दो ढाई घंटे हैं। असलम भोतानी साहब, असलम भोतानी साहब तो माइक खोलिए। कौन सा जाद 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 दुरानी आ गया, खुल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चेयरमैन साहब, मुझे खुशी है कि आज की जो तहरीक थी अदम एतमाद की बड़ी खुश असलूबी से गुजरी और मैं उम्मीद करता हूं कि नए कायदे ईवान का जो चुनाव होगा वो भी इसी खुश असलूबी से गुजरेगा और यकीनन नए कायदे ईवान में आज शहबाज शरीफ साहब होंगे। मुझे यकीन है कि वो जिस तरह पूरे मुल्क की खिदमत करेंगे उसमें बलूचिस्तान को नहीं भूलेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान आबादी में तो कम है लेकिन आधा पाकिस्तान है रकबे के हिसाब से। मैं खुशकिस्मत हूं कि यहां आज़ाद हैसियत में मुंतखब होके आया लसबेला ग्वादर से, उनके अपने वोटरों का अपने अवाम का शुक्रगुजार हूं। मेरा हलका जो है, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो सी पेक कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाती है, क्योंकि वहाँ ग्वादर है और अगर ग्वादर नहीं होता तो सी पेक नहीं होता। लेकिन अफसोस कि जितना बलूचिस्तान में सी पेक के हवाले से होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, उस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान के अवाम बहुत दुखी हैं, बलूचिस्तान में बेतहाशा वसाइल हैं। सिर्फ एक रिकॉर्डिक और ग्वादर का गहरा समंदर लें तो वो पूरे पाकिस्तान को चला सकते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अब हमारे वसाइल जो हैं वो हमारे लिए मसाइल नहीं बनेंगे बल्कि वो हमारी खुशहाली और तरक्की के ज़ामिन बनेंगे। मैं नए कायदे ईवान से यही उम्मीद रखता हूं और तमाम कायदीन का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का शुक्रिया। और मैं 3.5 साल उस तरफ रहा, मुझे उनसे भी कोई गिला नहीं है, लेकिन अपने हालात हैं, ताल्लुकात हैं। मैं जरदारी साहब की मेहरबानी, उनके मुझ पर एहसानात हैं और मुझे जब उन्होंने हुक्म किया मैं इधर चला आया। और मैं सर बशीर चीमा साहब को और चौधरी शुजात साहब को भी दाद देता हूं कि इन्होंने इस वक्त खुलकर आप लोगों की सपोर्ट की, बहुत शुक्रिया जी। तारिक बशीर चीमा साहब, जी नहीं तशरीफ रखते। जेंटलमैन अली नवाज शाह साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने मुझे टाइम दिया। मैं काफ़ी अरसे से बोला ही नहीं हूँ, सब मुझे कहते हैं क्यों नहीं बोलते।